दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारे इस क्लासेस के चैनल में। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे या सवाल पे बात करेंगे अभी, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सीखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक नंबर है 22/25, जिसको 26 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर निकालिए। पहले तो थोड़ा घबरा जाइएगा, बट परेशान मत होइए, मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताऊँगा सब कुछ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पहले तीन फॉर्मूलाज या कह सकते थ्योरम प्रोवाइडेड है, उसे हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब अगर आपके पास ऐसा नंबर हो x^(n-a)^n, तो ये नंबर हम x-a से हमेशा डिविजिबल है। ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, n के हर वैल्यू से डिविजिबल है। अगर आपके पास हो x^(n-a)^n, ये नंबर भी x+a से डिविजिबल है। कब? जब n का वैल्यू इवन हो। ठीक है, और x^(n+x^n)/x+a है, इसका मतलब क्या होगा, n का वैल्यू ऑड है, तभी ये तब स्टैंड करेगा। तो हमें अब इसमें से कौन सा यूज़ करना है, मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे कि ये नंबर है, हमारे पास नंबर क्या है, 25/25। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा x मान लीजिए, ये हमारा n मान लीजिए, और अब हम दूसरा करेंगे, 1 को मान लेंगे हम लोग अपना a। ठीक है, और 25 तो हमारा n है ही है, तो ये नंबर आपका इस पैटर्न से मैच कर रहा है कहीं पे भी? ये वाला लास्ट वाला मैच कर रहा है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल, क्योंकि 25 ऑड है, तो ये डिविजिबल किससे होगा, 25+1 से, मतलब 26। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया कि ये नंबर जो है ये 26 से डिविजिबल है। बढ़िया, तो इस नंबर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, +1 -26, है ना। अब देखिए, ये नंबर भी 26 से डिविजिबल है, क्यों? अब ये वाला जो नंबर है, ये नंबर 26 से डिविजिबल है, ये पता है हमें, प्रूफ किया हमने, और 26 तो 26 से खुद डिविजिबल है ये दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/25-25। ठीक है, तो अब ये क्या है कि ये जो टोटल नंबर है ये किससे डिविजिबल है, 26 से। और हमें पूछा क्या गया है कि हम अगर 25/25 को 26 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो दोस्तों, अगर ये नंबर डिविजिबल, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम 25 से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 26 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिमाइंडर बचेगा वो डिविजिबल, मतलब वो 25 है। अब फॉर एग्जांपल, अब आपको समझने के लिए समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास 14 हो। ठीक है, 14-2 डिविजिबल है 6 से। ठीक है, तो पूछेगा कि 14 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो आप अगर छोटा सा, मतलब देखिए सिंपल से 14 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 12, या आ गया 2, है ना, तो रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 2। इसी तरह ये भी हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत आएंगे, हो सकता है आपका कॉन्सेप्ट अभी तक इसमें क्लियर ना हो, बट इस वीडियो को देखने का जरूर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें जरूर से ज़रूर, और अपना सुझाव दें कि ऐसे हम वीडियोस और कौन से वीडियोस बनाएं आप लोगों के लिए जो आपको ज़रूरत है। और दोस्तों, इम्पॉर्टेंट बात कि हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि हमें आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो बढ़ेगा हमारा, उतना ज़्यादा मोटिवेशन बढ़ेगा इस काम को करने के लिए और आपके तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों यहाँ आने के लिए और वीडियो देखने के लिए। दोबारा आते रहिएगा और अपना नॉलेज बढ़ाइए और एग्जाम निकालिए जल्दी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, गुड बाय।